हम ट्वीट किए हैं, आज नीतीश कुमार जी को याद आ रहा है ये, और जब खुद ये विधान मंडल का जब ये करने गए थे विस्तारीकरण का, जब ये खुद इसका उद्घाटन करने गए थे, तो उस वक्त जो राज्यपाल को बोल गए थे। आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। चिराग पासवान अभी अभी कुछ देर पहले दिल्ली से पटना लैंड किए हैं और हम पत्रकार जब उनसे सवाल पूछे कि कल नीतीश कुमार नई संसद भवन का जो उद्घाटन होने वाला है उसका बहिष्कार कर रहे हैं, उसकी पार्टी बहिष्कार कर रही है, और यहाँ तक कि नीतीश कुमार ने आज कहा है कि हमको पता नहीं है कि कल संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है। जरा पहले वो क्लिप सुन लीजिए कि हमें पता ही नहीं है कि संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है और कौन कौन लोग जा रहे हैं, इस पर क्या कुछ कहा है, किस तरीके का हमला बोला है चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर, आपको सुनाते हैं। हम ट्वीट किए हैं, आज नीतीश कुमार जी को याद आ रहा है ये, और जब खुद ये विधान मंडल का जब ये करने गए थे विस्तारीकरण का, जब ये खुद इसका उद्घाटन करने गए थे, तो उस वक्त जो राज्यपाल को बोल गए थे, उस वक्त महामहिम राज्यपाल नीतीश कुमार जी को याद नहीं आए थे? 2016 में किए थे ना ये विधानमंडल का उद्घाटन, और अगर मुझे तारीख ठीक से याद है तो 19 नवम्बर की वो तारीख थी। उस वक्त कहाँ गए थे महामहिम राज्यपाल? और मुझे बताएं, देश की जितनी विपक्षी दल है, विपक्षी पार्टियां हैं, या तो वो स्वीकार करें कि उन सब ने भी गलतियां की हैं। आज अगर प्रधानमंत्री जी के उद्घाटन से इन्हें इतनी चिंता हो रही है, तो कहाँ है वो विपक्षी दल और वो विपक्षी पार्टियां जिन्होंने अपने पार्टी के नेताओं के नाम पर हजारों योजनाएं बनाई, उनके नाम पर भवन बनाए, उनके नाम पर सड़कें बनाई, तमाम राष्ट्रपतियों को दरकिनार करते हुए, या तो वो स्वीकार करें कि तब उनसे गलती हुई थी इसलिए आज गलती हो रही है, और या फिर जो परंपरा चलती आ रही है, भाई कहाँ पे लिखा है? और आज की तारीख में जब तंत्र की खूबसूरती ही यही रही है कि सत्ता पक्ष विपक्ष अपने तमाम मतभेदों के बावजूद जब देश और प्रदेश की बात आती है तो एक साथ एक मंच पर आकर चर्चा करते हैं, विचार विमर्श करते हैं। नीति आयोग की बैठक भी एक ऐसा ही मंच है, आप चर्चा कर सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं, अपने मतभेद होने के बावजूद प्रदेश के हित को लेकर आप अपनी बातों को वहां पर रख सकते हैं। पर ऐसी बैठक का बहिष्कार करना दिखाता है कि मुख्यमंत्री सिर्फ व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। अगर उनका व्यक्तिगत द्वेष किसी से है तो वो द्वेष इतना बड़ा हो जाता है कि वो बिहार और बिहारियों के सरोकार के लिए भी ऐसी बैठकों में जाना जरूरी नहीं समझते। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पूरी तरीके से निंदा करती है मुख्यमंत्री जी की इस बैठक में नहीं जाने। इस बैठक में जाने से संभवतः कई लाभ बिहार और बिहारियों को मिल सकते थे, जो मुख्यमंत्री जी ने अपने अहंकार और अपनी महत्व अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं चढ़ाना चाहता था। नीतीश को कल बैठेंगे इस बात का बहिष्कार। तो आपने सुना, ये थे चिराग पासवान। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति को प्रदेश की चिंता नहीं हो वो देश की चिंता क्या करेगा। अब देखना ये है कि जदयू के प्रवक्ताओं की तरफ से इस पर कोई बयान आता है या नहीं, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए बिहार संवाददाता के साथ।